मैं डॉक्टर किरण टांग सेकंड ईयर बॉटनी में आज एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत मैं आपको डिसेक्शन ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो बताऊंगी। और इसके लिए हमने डाइकोट जो सीड लिया है वो रेफेनस सटाइवस, जिसे हम मोगरी अपनी कॉमन भाषा में हम मोगरी कहते हैं, उससे मैं आज आपको डाइकोट एम्ब्रियो निकालना सिखाऊंगी। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि रेफेनस सटाइवस एक ब्रैसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे क्रूसीफेरी कहते हैं, और ये डाइकोटिलेडन है। इसमें दो बीज पत्र होंगे। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल जो होता है वो एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है उसके गैमिट में, उसके मेल गैमिट से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो मेल गैमिट में से एक मेल गैमिट तो एग सेल से अंड कोशिका से फ्यूज होकर के क्या बनाता है, जायगोट बनाता है, और दूसरा वाला जो होता है वो एंडोस्पर्म बनाता है। तो एंडोस्पर्म तो उसको सराउंड करता है जायगोट को, और ये सीड में स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो जब अभी हमें आज खाली, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर पाऊंगी, तो अभी मैं आपको निकालना सिखाती हूँ इसके अंदर। इसमें आप देखें बच्चों, ये मोगरी की फली है, और इसके अंदर से मैं आपको एम्ब्रियो निकालना बताती हूँ। इसके अंदर क्योंकि ये जो फली है अभी कच्ची है, मतलब पूरी राइपन नहीं हुई है, इसके सीड अभी सूखे नहीं, तो मैं आपको ये बताऊँ कि किस प्रकार से हम इसके अंदर से एम्ब्रियो निकालेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो निकला पोर्शन है, दिस वन, ये क्या है, इसका इमैच्योर सीड है। ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये निकल रहा है, ये क्या है, इसके अंदर ये इमैच्योर मैंने सीड निकाला, पास में लाओ, ये इसका इमैच्योर सीड निकाला है। और इस नीचे जो आपको ग्रीन पोर्शन दिखाई रहा है, ग्रीन या वाइट जो पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, दिस इज द, इसका ये जो दिख रहा है वो नीचे वाला वाइट पोर्शन, तो ये जो आपको धागे नुमा दिख रहा है ये क्या है, इसका फनिकुलस है, और ये इसका इमैच्योर सीड है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो, ये तो दिख रहा है आपको फनिकुलस दिख रहा है आपको ये, और ये क्या है, इसका इमैच्योर सीड है इसका। ये इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। यहाँ पर ये आपको हल्का सा ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर यहाँ पर एम्ब्रियो इसमें उपस्थित होता है। तो मैं आपको बताऊँ, अभी तो मैंने आपको ये निकालना सिखाया, ये जैसे हमने ऐसे क्या करते हैं निकालने के लिए, पहले हम बहुत सारे ऐसे सीड इकट्ठे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट अवस्था के ये सीड होंगे, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। तो जो छोटे सीड होंगे वो यंग सीड होंगे, उसके अंदर एम्ब्रियो की अलग अलग अवस्था होगी। और एम्ब्रियो चार डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। एक तो होता है ग्लोबुलर स्टेज का एम्ब्रियो, जैसे कि ये अंदर सीड के अंदर की स्टेज में आपको फोटो शक्ल दिखा रही हूँ किस प्रकार से एम्ब्रियो होगा। तो जो एम्ब्रियो जब फर्स्ट स्टेज का होगा, स्टार्टिंग का, तो वो हार्ट शेप ऐसे गोल होगा, सॉरी ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है इसका, दिस वन इज ग्लोबुलर, फिर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो हो जाएगा, फिर ये टॉर्पिडो हो जाएगा, और ये टू कॉटिलेडन स्टेज एम्ब्रियो हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इस सीड में से निकाल के बताती हूँ कि किस प्रकार से हम एम्ब्रियो निकालेंगे। ये देखो बच्चों, हम इसको पहले पकड़ लेते हैं, और इसको पकड़ के अभी आप देखना ऐसे एम्ब्रियो बाहर निकलेगा इसके अंदर अलग अलग अवस्था का, बहुत छोटा सा इसमें से एम्ब्रियो निकलेगा। मैं आपको दो तीन स्टेजेस के एम्ब्रियो निकाल के यहाँ दिखा दूंगी एक बार पिक्चर में। जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो अब इसमें से ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसमें से कच्चा ये इसमें दिख रहा है, थोड़ा राइपन लेना पड़ेगा इसमें, नहीं तो वो माइक्रोस्कोप बिना दिखता भी नहीं है। लाइट करना दिख नहीं रहा है। ये देखो बच्चों, ये जो निकला स्ट्रक्चर, ये अभी आपको यहाँ तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, पर मैं आपको और भी क्लियर करके बताऊंगी। ये जो अभी स्ट्रक्चर निकला है ये एम्ब्रियो है, और दूसरी और थोड़ी मैच्योर है, इसमें से मैं निकाल के दिखाती हूँ। आप ये देखो, जैसे ही हम निकालेंगे इसके अंदर, ये देखो ये एम्ब्रियो निकल गया एकदम इसमें से। ये देखो आप बच्चों, इसको फोकस करना, हाँ ये देखो ये बच्चों, इसमें से एम्ब्रियो निकाला है मैंने अभी आपको, और इसकी ये इसमें ये तो इसमें पानी निकल रहा है, इसमें जो अंदर जो इसमें लिक्विड इसमें भरा होता है सीड के अंदर ड्राई, तो ये आपको ये दिखाई दे रहा है ये बच्चों, यहाँ पर ये ऊपर का जो ग्रीन पोर्शन है वो
ये कॉटलीडन्स है इसके, और ये क्या जो नीचे वाला पोर्शन है वो कैसा है इसका, हाइपोकोटल पोर्शन कहलाता है। इसको डायग्राम में अगर ऐसे मैं ड्रॉ करूँ आपको, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक कॉटलीडन्स इधर लगे हुए। तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये क्या है इसका, ग्रीन वाला, ये तो इसका है हाइपोकोटाइल होता है, दिस वन इज हाइपोकोटाइल, मतलब कॉटलेडन के नीचे का भाग, और ये कॉटलेडन्स है इसके, और नीचे का जो तीखा भाग दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है इसका, रेडिकल, मूलांकर, जिस मूलांकर मूलांकुर जिसको हम कहते हैं, जिससे रूट का डेवलपमेंट होता है। तो ये मैंने बच्चों आपको ये निकाल के बताया, और एक दो में और देखो आप इसके अलग अलग इसके डायरेक्शन से भी देख सकते हैं, आपको थोड़ा पास में लेकर दिख रहा है, हाँ ये इसमें दिख रहा है आपको, एक दो में और निकाल के आपको बताऊंगी किस प्रकार से, बाकी तो थ्योरिटिकल में आपको बता दूंगी मैं, लेकिन कैसे इसका एम्ब्रियो निकालना है वो आपको मैंने बताया यहाँ पर। ये देखो बच्चों अभी ध्यान से देखना, मैं दूसरे वापस निकाल रही हूँ, एक को किसी में निकाल के बता रही हूँ, उसी के एक थोड़ी मैच्योर अवस्था वाले को निकाल के बता रही हूँ यहाँ पर। ये तो इसका अंदर का स्ट्रक्चर निकला है, एम्ब्रियो सैक जो जिसको बोलते हैं हम, और ये देखो ये निकला, ये देखो ये बच्चों ये निकला, ये देखो ये ग्रीन निकल रहा है इसमें से एकदम, जैसे मैंने इसका खोला तो इसमें से हम बस इसके सीड कोट को हटाते हैं, और हटाते ही ये आपको अंदर से इसका एम्ब्रियो, ये देखो ये निकल गया है यहाँ पर, ये ग्रीन स्ट्रक्चर निकला है, आपको माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है, ये देखो ये दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये ऐसे कॉटलेडन से जिसकी शक्ल कैसी दिखाई देगी, इसको अगर वापस मैं खोल के देखो, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इसकी शक्ल कैसी है, ऐसी ऐसी इसकी इसकी पिक्चर होती है। अब मैं आपको इसकी डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बता देती हूँ कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डिफरेंट स्टेजेस एम्ब्रियो की मैंने शो करी यहाँ पर, और ऊपर की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सस्पेंसर कहलाता है, इसको पकड़ना, इसको सस्पेंसर लग रहा है इसके अंदर ये, जिसकी सहायता से ये माइक्रोपाइलर एंड के वहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। ये एम्ब्रियो की जो फर्स्ट स्टेज होती है, उसके बाद में इसमें डिविजन्स होते हैं, जायगोट के बाद में इसमें डिविजन्स होना शुरू हो जाते हैं। जायगोट तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, उसमें एक ट्रांसफर डिविजन होता है जिससे दो सेल बनती है, एक सेल से सस्पेंसर बनता है, ऊपर वाली सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इस जो एम्ब्रियो की जो सेल है, एम्ब्रियोनल मास, इससे पहले चार सेल्स बनी, फिर और भी सेल्स बनती, और अल्टीमेटली इसका जो शेप होता है डिवीजन के बाद में, कुछ एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और नीचे की तरफ सस्पेंसर होता है जो कि जिसको पोषण देने का कार्य करता है। सस्पेंसर की जो सेल्स, सस्पेंसर जो है वो उसमें 7-8 कोशिकाओं का होता है, नीचे की तरफ एक फुली हुई वेसिकल सेल्स पाई जाती है इसके अंदर। अब जाइगो ये ग्लोबल स्टेज है, फिर इसके अंदर और भी डिवीजन हुए, तो ये इसके अंदर इसकी आउटर लेयर बन गई है, और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। ग्लोबल स्टेज बाद में फिर एक हार्ट शेप के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बीच में एक नॉच डेवलप हो जाता है, सेल्स का डिवीजन इस प्रकार से होता है कि अंदर की तरफ एक नॉच खांच बन जाती है, क्योंकि ये डाइकॉटलीडन है इसलिए। फिर अगली स्टेज में आप देखें यहाँ पर क्लियर कट आपको ये दो कॉटलीडन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों कॉटलीडन्स दिखाई दे रहे हैं डाइकोट एम्ब्रियो के, और उसके बाद में फिर और इसकी जो खांच होती है उसमें ग्रू बढ़ जाता है, दोनों कॉटलेडन्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, और बाकी कोशिकाओं में भी डिवीजन होता रहता है इसके अंदर। अब आप ये जो लास्ट पिक्चर है इसमें आप भी देख सकते हैं कि अंदर किस प्रकार से ये रहता है। तो जैसे मैंने अभी आपको एम्ब्रियो दिखाया था उसके अंदर, तो नीचे की तरफ सस्पेंसर होता है, और यहाँ पर ये इंटेगोमेंट होती है जो कि इसको कवर करती है, और ये इस प्रकार से मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने डाइकोट एम्ब्रियो निकाल के थोड़ा बताने की कोशिश की, यहाँ पर ये मैच्योर एम्ब्रियो, हालांकि मैं यहाँ पर आपको ग्लोबल और हार्ट शेप की अवस्था तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये दिख रहे हैं आपको नीचे से इसका रेडिकल दिख रहा है ये, और ये दो कॉटलेडन्स हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर सस्पेंसर भी होता है जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जो मैंने अभी आपको निकाल के बताया था, ये एक मोगरी है जिसको हम रेफेनस सटाइवस कहते हैं, और इसकी इसमें अलग अलग साइज़ की मोगरी होती है, तो उसमें अलग अलग साइज़ का ओविल होता है, डेवलपिंग स्टेज अलग अलग होती है, और ये इमैच्योर
सीड निकाले हुए हैं, ये क्लोजअप है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, ये जो इसका फेनिकुलस भाग है और यहाँ पर एम्ब्रियो होता है इसके अंदर। इसमें भी इस डायरेक्शन में आपको कुछ हल्की सी थोड़ी सी छाया टाइप दिख रही है शेडोज की। तो ये इमेचोसिट जिसमें से कि हम ओविल एम्ब्रियो को निकालते हैं। इस पिक्चर में डिसेक्शन करके कुछ पिक्चर्स लगाई जो कि आपको मैं अभी वीडियो में डिसेक्शन बताया था, इससे जस्ट पहले स्लाइड में दिखाया था आपको मैंने। तो जैसे ही हम इसको ये इसकी सीड कोट ओविल को पकड़ के उसकी सीड कोट हटाते हैं, तो ये इसमें से ये एम्ब्रियो, ये एक मैच्योर सीड का थोड़ा सा डायग्राम है जिसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डाइकॉट बन चुका है, इसके अंदर दो कॉटलेडन का डेवलपमेंट हो चुका है। ये सीड कोट बाहर ही रह गया है और ये एक बहुत अच्छा सा मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो निकला है जिसमें ये जो पोर्शन ग्रीन है आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द हाइपोकोटाइल, और ये आप छोटा सा आपको पिक्चर दिखाई दे रही है दिस इज द रेडिकल, और ये इसके दो कॉटलेडन्स दिखाई दे रहे हैं एक के ऊपर एक होते हैं इसके अंदर। इस पिक्चर में जो एम्ब्रियो है उसकी थोड़ी प्री स्टेज दिखाई है, इसमें तो आपको दोनों कॉटलेडन्स का डेवलपमेंट हो चुका है लेकिन इस पिक्चर में अभी कॉटलेडन का डेवलप कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये थोड़ी टॉर्पिडो शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसके एम्ब्रियो की। अगेन इसी पिक्चर में सेम है कि ये सीड कोट अलग कर दिया है और ये एम्ब्रियो जिसमें कि यहाँ पर दिस वन इज रेडिक, इसका ये हाइपोकोटल होता है, दो कॉटलेडन्स दिखाई दे रहे हैं अंदर। इस पिक्चर में भी दोनों कॉटलेडन्स दिखाई दे रहे हैं, ये सीड कोट बाहर रह गया है और ये भी दोनों कॉटलेडन्स दिखाई दे रहे हैं आपको नीचे, और ये सीड कोट बाहर रह गया है। तो इस प्रकार से इसका ये डायग्राम होता है। अब हम इस पिक्चर में माइक्रोस्कोप के द्वारा कुछ ली हुई फोटो दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि ग्लोबुलर और हार्ड शेप एम्ब्रियो ऐसे देखना मुश्किल होता है, तो माइक्रोस्कोप की सहायता ऐसे ही पिक्चर लेने की कोशिश की मैंने इसमें। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये बहुत ही छोटे से, मतलब बहुत ही यंग, मतलब यंगेस्ट सीड से लिया गया है, सीड से निकाला हुआ एम्ब्रियो है जो कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। इसमें आप देखते हैं ये ग्लोब दिखाई दे रहा है आपको, और पीछे आपको सस्पेंसर भी दिखाई दे रहा है, इसमें 7-8 सेल्स होती है और लास्ट इसके अंदर वेसिकल सेल भी दिखाई दे रही है। ये अब ग्लोबुलर एम्ब्रियो इसमें अब नॉच बनने की स्थिति आने वाली है, तो थोड़ा सा ये आगे से फैल गया है, ये उसकी फर्दर स्टेज है जिसमें यहाँ बस एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, सॉरी सस्पेंसर दिखाई दे रहा है, निलंबन, इसको निलंबक जिसे कहते हैं। और इस पिक्चर में एक क्लियर कट हार्ट शेप एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, ये आपको नॉच दिखाई दे रही है और ये सस्पेंसर की सेल्स है ये। इस प्रकार से ये माइक्रोस्कोप में ये इनकी पिक्चर ऐसी दिखाई देती है। तो बच्चों आज हमने वीडियो में रेफिनस डाइकोट प्लांट से उसके इमैच्योर सीड से एम्ब्रियो निकालना देखा, और डिफरेंट स्टेजेस हमने एम्ब्रियो की देखी जिसमें सबसे पहले ग्लोबुलर स्टेज, उसके बाद में हार्ट शेप, फिर टॉर्पिडो और लास्ट में टू कॉटिलेडन स्टेज ऑफ एम्ब्रियो हमने निकालना देखा। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।